जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के बारे में कि वो आपके लिए यूजफुल है या यूजलेस है और वो आपके लिए कितना हार्मफुल है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक यूज की जाती है, जिसमें से मॉन्स्टर, माउंटेन ड्यू एनर्जी ड्रिंक, एक्स्ट्रा पावर एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक। अगर हम बात करें इनके प्रोफाइल की, अगर आप इनके पीछे देखोगे तो इनमें सबसे ज़्यादा कैफीन और शुगर पाई जाती है। अब कैफीन का काम क्या होता है? कैफीन हमारे माइंड को एक्टिव रखता है, हमें एनर्जी देता है, और जो शुगर होती है वो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर में जाके स्टोर हो जाती है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज़ को बाय करते समय उसकी प्रोफाइल चेक नहीं करते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब एनर्जी ड्रिंक का यूज अधिकतर स्टूडेंट और एथलीट करते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इसको पीते हैं। बट इसका ज़्यादा कैफीन यूज करने से हमारे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट हमारी बढ़ सकती है और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। 2012 में एक रिसर्च पब्लिश की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 लोगों को डेली 2 एनर्जी ड्रिंक पिलाई गई। अब एक हफ्ते बाद उनका टेस्ट करने पे पता चला कि उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और इंसोमनिया की प्रॉब्लम उन्हें हुई है। तो अगर आप भी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक का यूज करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। आप एनर्जी ड्रिंक का यूज ज़्यादा ना करें, आप इसके बदले प्री वर्कआउट या कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर आप जिम करते हैं तो आप प्री वर्कआउट में कार्ब्स वाला फूड ले सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, और या आप एक बनाना खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को फोड़ दीजिएगा।